जीएचएमसी इंतखाबात में रायदही बहुत कम हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि गुज़श्ता इंतखाबात से अवाम सियासी कायदीन से बेजार हो चुके हैं। ज़राए के मुजिब बार बार सियासी कायदीन के कहने के बावजूद अवाम वोट डालने में दिलचस्पी नहीं दिखाए हैं। यह अवाम की सियासी कायदीन से नाराज़गी है। हर सियासी कायद पैसा कमाने पर तुला हुआ है। सियासी कायदीन इंतखाबात में वादे तो बहुत करते हैं लेकिन इस पर अमलावरी नहीं होती है। सियासी जलसों में बहुत ज़्यादा आवाम नज़र आती है लेकिन वोट देने के मौके पर पोलिंग बूथ पर कोई नज़र नहीं आता। इस मरतबा मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे फिरके के लोग भी वोट डालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए हैं। कई मरतबा आवाम से अपील की गई कि फजर की नमाज के बाद से वोट डालने की तैयारी करें। बिलखसूस पुराने शहर की आवाम वोटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और ना कायदीन की बातों का कोई इन पर असर हो रहा है। ऐसी हालत रही तो आइंदा असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात में बहुत मुश्किलात पैदा हो सकते हैं और कहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर सख्त हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं और नशिस्तें भी कम हो जाएगी। आइंदा इंतखाबात के लिए नई हिकमत अमली ज़रूरी है। पुराने हरबे अब चलने वाले नहीं हैं। पहले दौर में सियासी जमात की जानिब से सवारी का इंतज़ाम होता था और एक कारकुन सियासी जमात का होता था जो वोटर्स को घर से बाहर लाता था। इस सिलसिले में सियासी जमातों की दिलचस्पी भी कम हो गई तो अवाम में वोट डाले जाने की दिलचस्पी भी कम हो गई। आज एक बात देखने में आई कि अक्सरियती फिरके के लोग सुबह ही वोट डालकर बेफिक्र हो गए जबकि अखिलेती तबके के लोग घरों से बाहर नहीं आए। ताजुब की बात है कि पहले दौर में अखिलेती तबके के लोग वोट डालने के लिए सबसे पहले रहते थे लेकिन शाम तक भी अखिलेती तबके के लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये बात गलत है कि कोरोना वायरस से लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर नहीं आए जबकि कोरोना वायरस के बावजूद लोग सारा शहर घूम रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले इंतखाबात में क्या हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आने वाले इंतखाबात हमारे लिए लम्हा फिकर हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। मैं खुद देखी ये चीज़। सो वाई वी आर हैविंग दिस, हम लोग क्यों, हम लोग इलेक्ट हो रहे हैं।
जब अगर ऐसा सिस्टम चल रहा है, अगर व्हेन दिस पीपल आर सपोर्टिंग देन व्हाई देयर इज एन इलेक्शन. सो आई एम अ कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी डॉक्टर ममता सुल्ताना फॉर अ कॉपरेटर इलेक्शन. तो आई रिक्वेस्ट व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन एवरी प्लेस. मैं चाहूँगी कि सही इंसाफ हो, सही वोट सारे लोग दें, ना कि ऐसा सपोर्ट करें और ऐसा सपोर्ट से जो है ये सब नुकसान. ये कौन सा डिवीजन है माँ? ये किशन बाग 56. जी अभी आप कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट? मैं कैंडिडेट हूँ कांग्रेस से डॉक्टर मुमताज सुल्ताना. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, मैं यहाँ पर आई तो खाली पेपर का काम चल रहा, जो ऐसे ही लिखा हुआ है नाम और ऐसा बोल के लिखा हुआ है, आधार कार्ड वोटर आईडी कुछ भी नहीं है, और वो लोग को जो है एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन मेरे को देख के सडनली वो लोग चेंज हुए. और आई जस्ट केम फॉर 2 मिनट्स, बट दिस पीपल आर टेलिंग, ये लोग ही बोल रहे हैं कि मैं आधे घंटे से 20 मिनट से हूँ. कौन बोल रहे हैं आप? यहाँ के ये डिपार्टमेंट बोल रहे हैं मेरे को, और वहाँ से अंदर से मेरे को ये प्रसाद साहब कौन है पुलिस के, ये लोग मेरे को वहाँ से हटा ले मेरे को बाहर निकलने के लिए. एंड आई हैव फुल राइट्स टू वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड, क्योंकि अगर बोकसिंग इज गोइंग ऑन देन व्हाई वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर.